हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम लोग बात करने बिहार का टॉप वन इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जो कि है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसका पूरा हम लोग रिव्यू देखेंगे, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फी देखेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे एंड कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपका सारा डाउट क्लियर हो पाएगा। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो देखिए, एक कैंपस जो है इसका पूरी कंप्लीट कैंपस है। ये पूरा बिल्डिंग इसका एस्टैब्लिश हो चुका है। हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल दोनों है। एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में, ठीक है। एंड इसका इंटरेस्ट गेट दे सकते हैं, ये एंट्री करने का गेट है। एंड ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद हम डिपार्टमेंट की बात कर ले तो यहाँ पे कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है एंड फिर ईसीई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल ट्राई कर सकते हो, मतलब कि कोई भी ब्रांच ट्राई कर सकते हो अगर आपके अच्छे परसेंटाइल हैं तब। और रैंक की बात करेंगे, कितना रैंक पे आपको इस बार कट ऑफ मिलेगा, मतलब कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, मैकेनिकल में भी 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल में भी 60 है, कंप्यूटर साइंस में भी 60 है एंड ईसीई में भी 60 सीट है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम की बात कर ले कि कौन कौन से एग्जाम से यहाँ एडमिशन होते हैं। तो जेई मेन्स एंड बीसीईसी, ठीक है, जेई मेन्स एंड बीसीईसी से यहाँ पर एडमिशन होते हैं। एंड अगर आप जेई मेन्स एंड बीसीईसी का एग्जाम दिए हो तो आपका अगर 12 में 45% से कम मार्क्स है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका 45% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए 12 में अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तब, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात कर ले, यूजीएससी जेई मेंस के थ्रू कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। तो यूजीएससी का रैंक कार्ड आ चुका है, आप सभी को पता है। इस बार का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस में 1 से 100 तक है, ठीक है, तो ये देखो अगर आपका 200 तक है तो आप सेकेंड राउंड तक ट्राई कर सकते हो। जिन बच्चों का यूआर रैंक 1 से 200 तक है वो ट्राई कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। एंड सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1 से 400 तक जिनका है उनको मिल जाएगा, मतलब 300-400 तक है जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं। मैकेनिकल की बात कर लो तो 1 से 1500 तक ट्राई कर सकते हैं बच्चे। और फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल 1 से 700 तक जिन बच्चों का रैंक है वो ट्राई कर सकते हैं। एंड ईसी 1 से 400 तक के बीच में जिन बच्चों का है वो ट्राई कर सकते हैं, इतने रैंक पे उनको 100% है मिल जाएगा, ठीक है। अब प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे बीसी भागलपुर में अच्छा खासा प्लेसमेंट है, ठीक है। कुमार गौरव, राहुल कुमार एंड संतोष डबल ई के एंड मैकेनिकल के बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। डबल ई एंड मैकेनिकल के बच्चे हैं जिनका यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है, वो भी 5 लाख का पैकेजेस पर, ठीक है, 5 लाख का पैकेजेस पर प्लेसमेंट हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ भी सीएससी के बच्चे का हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड ईसी मैकेनिकल, मतलब सारे ब्रांचेस के प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल के भी है एंड सिविल के भी है, ठीक है। आगे देख सकते हैं अनिकेत कुमार, ठीक है, इसका 4 लाख का पैकेज लगा है, सीएससी ब्रांच से थे ये, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं 7 लाख का पैकेज लगा है केशव झा को, ठीक है। तो आप लोग को भी लग सकता है, ऐसा नहीं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तब। एडमिशन फी आपका 3300 अप्रॉक्स लगेगा, रजिस्ट्रेशन फी 2100 और यूनिवर्सिटी फी 3700। देखो हॉस्टल फी अभी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, तो हॉस्टल फी डिफरेंट होगा, ठीक है। मेरे पास जो डाटा था नेक्स्ट ईयर का, मैं जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय का डाटा है, अभी का हाल फिलहाल का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 7200 रुपये हॉस्टल फी हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेस चार्ज 3200 रुपया लगता है, जो कि आपको बहुत मेस 3 टाइम उसमें खाना मिलेगा 3200 में, ठीक है। अब हॉस्टल एंड लैब की बात कर ले तो यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल भी है एंड लैब भी अवेलेबल है। बॉयज़ हॉस्टल 7 है, ठीक है, हर एक जैसे फर्स्ट ईयर आएगा तो उसके लिए अलग है और नाम ही अलग अलग रहेगा। बॉयज़ हॉस्टल 1 का नाम कुछ और है, 2 का नाम कुछ और है, वैसे करके बॉयज़ हॉस्टल है, 7 हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल एक ही है, कंप्यूटर लैब है, मैकेनिकल लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है एंड सिविल लैब है, ठीक है, सारे लैब अवेलेबल है। एंड कॉलेज में फैसिलिटी की बात कर ले तो वाईफाई है, लाइब्रेरी है, कैंटीन है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, गार्डन है, क्लब है एंड जिम है, गेस्ट हाउस एंड मेडिकल फैसिलिटी है, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एंड आप सबको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हॉस्टल में वाईफाई भी यहाँ पे है, आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो इतने सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे सारे चीज़ें। एंड ये था पूरा कॉलेज भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का रिव्यू वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करने एंड वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि ऐसे ही कॉलेज का रिव्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा। सारे कॉलेज का रिव्यू वीडियो एंड बिहार इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल से रिलेटेड सारा अपडेट इस चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।